फ्रेंड्स, आई एम सिलंत प्रजापति। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेजर फिजियोग्राफिक भौगोलिक डिवीजन है इंडिया का। तो इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वह द इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सिक्स फिजियोग्राफिक डिवीजन। फर्स्ट इज हिमालय माउंटेन, सेकंड इज नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ इज कोस्टल प्लेन, फिफ्थ इज आइलैंड एंड सिक्स इज डिजर्ट। अब हम लोग हिमालय माउंटेन के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, हिमालय जो माउंटेन है, हिमालय माउंटेन आर यंग एंड ओल्ड माउंटेन। देखिए, हिमालय माउंटेन क्या है, यंग है और ओल्ड है। मीन्स वो इसको यंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो विस्तार है वो भी जारी है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, जो हिमालय माउंटेन आर फार्म एज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट। देखिए, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट था और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट था, जब दोनों में टकराव हुआ उसके रिजल्ट से क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए, इसकी जो हाइट है वह है, सॉरी, इसकी जो लेंथ है वह 2400 किलोमीटर है और कहीं कहीं 2500 किलोमीटर भी दिया है। तो हम मानते हैं कि इसका लेंथ क्या है, 2500 किलोमीटर है। इसका जो विड्थ है वह 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वह 150 किलोमीटर की तरह है अरुणाचल प्रदेश की तरफ है और 400 किलोमीटर कहाँ पर है, वह है कश्मीर की तरफ है। इसको हम लोग मैप में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इसकी जो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो क्या है, 2500 किलोमीटर, जबकि इसकी जो चौड़ाई ये है, ये यहाँ पर हम देखेंगे कश्मीर में, तो ये हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर हो जाएगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 150 किलोमीटर। मीन्स इसकी जो चौड़ाई है वो इस तरह से है, ये इस तरह से है। मीन्स यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। अब तो कहते हैं हिमालय कंसिस्ट ऑफ फोर पैरेलल रेंजेज इन द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। अब देखिए, जो हमारा हिमालय पर्वत है वह चार पैरेलल रेंज में डिवाइड है। जैसे वो जो पैरेलल रेंज है, यह फोर हैं, 1, 2, 3 और 4। देखिए, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाएगा, ट्रांस हिमालय। इसे बोला जाएगा ग्रेट हिमालय, इसे बोला जाएगा हिमाचल या मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय, इसे बोलेंगे शिवालिक, इसके नाम हैं। अब देखिए, ये तो हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया। अब इसके अलावा बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए, इसके अलावा ये तो हो गया हमारा, ये डिवीजन हो गया, इसके अलावा भी ये लैटिट्यूडनल डिवीजन में क्या है, डिवाइड है। जैसे इसको हम डिवाइड करते हैं तो यह ऑन द बेसिस ऑफ रिवर वैली। अब रिवर वैली के अनुसार इसको भी हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। ये चार भाग जो हो जाएंगे, ये देखिए पहला, ये रिवर द पार्ट्स ऑफ हिमालय बिटवीन इंडस रिवर। देखिए, यहाँ पर यह है, ये यहाँ से आता है, इंडस रिवर जाती है, ये इंडस रिवर एंड सतलज रिवर, इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो पार्ट्स है वो क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय, वो कहलाता है पंजाब हिमालय। और आफ्टर द सतलज द पार्ट्स फ्रॉम सतलज एंड काली रिवर। देखिए, यहाँ पर एक काली रिवर है, तो काली रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट्स बोलते हैं कुमायूं हिमालय। द पार्ट्स बिटवीन द काली एंड तिस्ता,
काली और तिस्ता, यहाँ पे काली यहाँ पे कौन सी, तिस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, एंड द पार्ट्स फ्रॉम द पार्ट्स बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग। दिहांग देखिए जो दिहांग रिवर है वो नाम है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आती है जब इंडिया में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका नाम होता है दिहांग। दिहांग रिवर तक जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हम लोग हैं असम हिमालय। तो ये हमारे हिमालय के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पार्ट्स हो गए। अब हम लोग कल प्रत्येक माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।